देश के कई क्षेत्रों में टमाटर के दाम ने शतक लगा दिया है। अलग अलग शहरों में इसका दाम 110 रुपए से लेकर 160 रुपए किलो तक पहुंच गया है। लोगों को लगता है कि यह महंगाई किसान की वजह से बढ़ रही है, लेकिन ये आधा अधूरा सच है। दरअसल देश के ज्यादातर क्षेत्रों में किसानों को औसतन 20 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो तक का ही दाम मिल रहा है। कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 90 और 100 रुपए का रेट है। बाढ़ बारिश के मौके का फायदा किसान कम और बिचौलिए और रिटेलर ज्यादा उठा रहे हैं। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक है। यहाँ पर बारिश की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से मांग और आपूर्ति में भारी अंतर आया है और दाम में तेजी दिखने लगी है। देश में टमाटर का सबसे अधिक दाम चेन्नई में देखने को मिला है, जो कि 160 रुपए किलो है। यहाँ की कोयम्बेडु, मंडावेली और नंदनम के रिटेल मार्केट के दाम में इस बार ऊंचाई पर पहुंचा था। हालांकि यह टमाटर उत्पादक क्षेत्र नहीं है। देश में टमाटर की सबसे ज्यादा पैदावार आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में होती है। आंध्र प्रदेश में 58,000 हेक्टेयर जमीन पर करीब 27 लाख मेट्रिक टन टमाटर की पैदावार होती है। आंध्र प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन चित्तूर और अनंतपुर जिलों में होता है। दुर्भाग्य से चित्तूर और अनंतपुर जिले ही बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित चल रहे हैं। चित्तूर का मदन पल्ले टमाटर का सबसे बड़ा बाजार है। केंद्र सरकार की ऑनलाइन मंडी ई नाम के मुताबिक यहाँ टमाटर का न्यूनतम रेट 1600 और अधिकतम 9500 रुपए क्विंटल है। महाराष्ट्र के सोलापुर में टमाटर का बड़ा मार्केट है। इसके अलावा पुणे भी इसका अहम क्षेत्र है, जहां किसानों को 40 से 50 रुपए प्रति किलो का रेट मिल रहा है। चित्तूर जिले के गुरम कोंडा में 22 नवंबर को टमाटर का अधिकतम दाम 10,800 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया था, यानी कि यहाँ थोक दाम ही 108 रुपए प्रति किलो है। हालांकि ओडिशा के सुंदरगढ़ स्थित बोनाई में 2,000 रुपए ही अधिकतम रेट है, जबकि हिमाचल के कांगड़ा और चंबा में 7,000 रुपए प्रति क्विंटल का रेट है, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर का न्यूनतम दाम 24 एवं अधिकतम दाम 72 रुपए किलो तक है। वहीं ऑल इंडिया वेजिटेबल ग्रोअर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के अनुसार अगस्त से सितंबर में महाराष्ट्र में भयंकर बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से अब दाम में तेजी दिख रही है। इस समय महाराष्ट्र में किसान 800 से 1000 में 20 किलो का टमाटर बेच रहे हैं, यानी 40 से 50 रुपए प्रति किलो पर। किसानों की मेहनत का सबसे ज्यादा फायदा बिचौलिए और रिटेलर ही उठा रहे हैं। टमाटर की महंगाई किसान की वजह से नहीं बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।